हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द आइडियल गैस एंड रियल गैसेस एंड द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, एक आइडियल गैस एंड एक रियल गैस पहला टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक क्या होगा? डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो हमारा जो मेन हेडिंग है यहाँ पर, पहला जो हेडिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज आइडियल गैस एंड रियल गैस। हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों गैसेस में डिफरेंस क्या है। आइडियल गैस किसे बोलेंगे हम लोग, रियल गैस किसे बोलेंगे? देखिए, आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस को ही हम लोग वी ऑल्सो कॉल्ड इट परफेक्ट गैस और परफेक्ट। तो आइडियल गैस को ही परफेक्ट गैस कहते हैं। तो आइडियल गैस और परफेक्ट गैस क्या होता है? ये गैसेस ऐसे होते हैं जो गैस लॉ को ओबे करते हैं, विच फॉलोज गैस लॉ। जो गैस लॉ हम लोग स्टडी किए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, अगर गैसेस उन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स गैस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और जो गैस इक्वेशन है कौन सा PV इज इक्वल टू NRT अगर उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सारे कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर के सारे कंडीशन में, मीन्स एट एवरी टेम्परेचर एंड एट एवरी प्रेशर अगर उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उस गैस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। मीन्स आइडियल गैस किसे बोलना है? ऐसे गैस को, द गैस, है ना, विच ओबेस व्हाट, विच ओबेस, जो ओबे करेंगे किसको, विच ओबेस गैस लॉ, जो ओबे करेंगे गैस लॉ को एंड गैस इक्वेशन, और गैस इक्वेशन को, गैस इक्वेशन कौन सा है? PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, जो गैस लॉ को फॉलो करे, इवन गैस इक्वेशन को फॉलो करे अंडर ऑल सेट्स ऑफ कंडीशन, अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशन, है ना, अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, उस गैस को क्या बोलेंगे हम लोग? आइडियल गैस, या वी कैन से परफेक्ट गैस। देखिए, एक यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ये जो आइडियल गैस है ना, ये जो परफेक्ट गैस है, ये एक हमारा इमेजिनेशन है। क्या है? इमेजिनेशन। मीन्स कोई भी गैस ऐसा नहीं है कि वो आइडियल हो, है ना, इट इज़ ओनली एन इमेजिनेशन। तो सेकंड पॉइंट यही है कि जो आइडियल गैस है, जो कंसेप्ट है आइडियल गैस का, है ना, जो कंसेप्ट है आइडियल गैस का, आइडियल गैस इज ओनली एन इमेजिनेशन। क्योंकि कोई ऐसा गैस नहीं है कि सारे कंडीशन पर, टेम्परेचर और प्रेशर के सारे कंडीशन पे वो गैस लॉ को फॉलो करे, ठीक है, इज़ ओनली एन इमेजिनेशन। तो ये एक इमेजिनेशन है, ठीक है। सारे गैसेस क्या होते हैं? थोड़ा सा डेविएट होते हैं आइडियल कंडीशन से, आइडियल बिहेवियर से क्या होते हैं? थोड़ा सा डेविएट होते हैं। क्या होते हैं? डेविएट होते हैं। चलिए, तो आइडियल गैस समझ में आ गया, मीन्स जो गैस लॉ को फॉलो करें, इवन गैस इक्वेशन को फॉलो करें अंडर ऑल सेट, यहाँ पे लिखा ऑल सेट ऑफ कंडीशन। और आइडियल गैस कैसा कंसेप्ट है इसका? एक इमेजिनेशन कंसेप्ट है, ठीक है। और अभी तक कोई गैस ऐसा नहीं मिला है जो इसको फॉलो करता हो, आइडियल गैस, ठीक है, सारे कंडीशन को। तो नया जो कंसेप्ट आता है वो कौन सा होता है? वो है हमारा नॉन आइडियल गैस। कौन सा? नॉन आइडियल गैस। अगर गैसेस आइडियल नहीं है तो कौन से हैं? नॉन आइडियल गैसेस हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल गैसेस। क्या बोलते हैं? रियल गैसेस, ठीक है, रियल गैसेस। तो ये ऐसे गैसेस हैं जो क्या, जो गैस लॉ को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है, एंड आइडियल गैस इक्वेशन को भी, ऐसा नहीं है कि सारे कंडीशंस में फॉलो करें, है ना, सारे कंडीशंस में फॉलो करें टेम्परेचर एंड प्रेशर के, उसे क्या बोलेंगे? जो नहीं फॉलो करेंगे उन्हें नॉन आइडियल गैस या रियल गैस में रखेंगे। समझ में आ गया? तो जो गैसेस आइडियल नहीं है वो गैसेस कैसे हैं? नॉन आइडियल या रियल गैसेस हैं। अब हम लोग देखते हैं डेविएशन, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज डेविएशन ऑफ रियल गैस। देखिए, आइडियल गैस क्या है? जो इस बॉयल्स, जो गैस लॉ को और इस इक्वेशन को सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा कोई गैस नहीं मिलता है, तो सारे गैसेस को हम लोग किस में रखते हैं? रियल गैसेस में। जैसे हमारा एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है ना, ये हमारा एक रियल गैस है।
नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये सब सारे जितने भी गैसेस हैं सबके सब कैसे है, रियल है। तो यहाँ पे जो सेकंड हेडिंग हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो रियल गैस का डेविएशन आइडियल गैस बिहेवियर से, तो देखिए ये जो डिविएशन है रियल गैस का आइडियल गैस बिहेवियर से, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक टर्म्स के थ्रू या एक फैक्टर के थ्रू, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसे हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे जो डेविएशन है किसका, रियल गैसेस का, है ना। रियल गैसेस तो डेविएट होंगे, तो डेविएशन ऑफ रियल गैसेस व्हाट, फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। जो दो डिविएशन है रियल गैस का आइडियल गैस बिहेवियर से, ठीक है, इसको इस एक्सप्रेस्ड, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इस टर्म में। तो Z का वैल्यू कितना होता है मैथमेटिकली कर देंगे, तो पी वी बाई एन आर टी, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z इज़ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और Z का वैल्यू क्या होगा, पी वी बाई एन आर टी, ठीक है। अच्छा, इसमें नोट करने वाले पॉइंट क्या हैं, पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं क्या, कि जो वैल्यू होता है Z का, है ना, वो डिपेंड्स करता है गैस के नेचर पे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Z मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, जो Z की वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पे, ठीक है। अब हमें पता है गैस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक रियल गैस है, एक क्या है, आइडियल गैस, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं गैसेस, हम लोग गैसेस में कितने में डिवाइड कर दिए हैं, दो में डिवाइड किए हैं, किए ना, एक आइडियल गैस है और एक कौन सा है, एक रियल गैस है हमारा, ये तो दो गैस हमें स्टडी करना है। देखिए जो आइडियल गैस होता है ना, जो आइडियल गैस है उसका में इक्वेशन क्या है, PV = nRT, ये होता है ना, PV = nRT, मीन्स पी, इसका मतलब क्या है, आइडियल गैस के लिए PV = nRT फॉलो करते हैं, मीन्स PV का जो वैल्यू होगा वो nRT के इक्वल होने वाला है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर्मूला है PV / nRT, तो PV / nRT देखिए इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 1। मीन्स फॉर आइडियल गैस Z क्या होता है, Z = 1 होता है, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, Z = 1, ठीक है। और यहाँ पर जो Z होता है, जो Z की वैल्यू है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, MCQ क्वेश्चन में सीधे आएगा डायरेक्टली, और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में बैठना है तो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। आपसे कोई नहीं पूछेगा डिफाइन आइडियल गैस, डिफाइन रियल गैसेस, है ना, बस यहीं से आएगा। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए फॉर आइडियल गैस Z = 1, Z = less than 1, Z = greater than 1, none of the above, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और जो वैल्यू है Z का, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर, वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, इंडिपेंडेंट, है ना, स्पेलिंग देख लेना भाई, इंडिपेंडेंट होगा किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ Z क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किसके, टेम्परेचर और प्रेशर का, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप प्लॉटिंग करें, प्लॉट अगर आप प्लॉटिंग करते हैं Z versus P का अगर प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर प्लॉटिंग करते हैं आप Z versus P के लिए फॉर आइडियल गैस के लिए अगर प्लॉटिंग करते हैं आप Z versus P का,
तो हमें क्या मिलेगा, वी विल ऑब्टेन एक स्ट्रेट लाइन, क्या मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करेंगे, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन, ठीक है, जो पैरेलल होगा, क्या पैरेलल टू व्हाट, पी एक्सिस, पी एक्सिस के क्या होने का, प्रेजर एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। और अगर रियल गैस के बारे में बात करते हैं तो रियल गैस में यहाँ पे क्या होगा, रियल गैस में दो चीज़ मिलेगा, जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा, या तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा, या तो जेड की वैल्यू क्या होगा, लेस देन वन होगा। तो अगर जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन है तो जो रियल गैस है, ठीक है, ये शो करेंगे क्या, दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और अगर z इज लेस देन वन है तो ये रियल गैस ऐसे होंगे जो क्या शो करेंगे, दे विल शो व्हाट, नेगेटिव डेविएशन, क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो रियल गैस के लिए z इज नॉट इक्वल टू वन, तो क्या होगा उनका वैल्यू, z ग्रेटर देन वन भी हो सकता है और इक्वल टू वन भी हो सकता है। और ये जो डेविएशन है रियल गैसेस का, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया क्या चीज़, कि जो आइडियल गैस या रियल गैस है हमारा, तो आइडियल गैस किसे बोलेंगे, जो गैस लॉ को, इवन गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को सारे सेट ऑफ कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो करेंगे। आइडियल गैस कैसा है, एक इमेजिनेशन है हमारा, ठीक है, कोई भी गैस रियलिटी में आइडियल नहीं है। तो कैसे हैं सारे गैसेस हमारे, रियल हैं, क्योंकि कोई भी गैस ऐसा नहीं है कि सारे टेम्परेचर और सारे प्रेशर कंडीशंस पे इस गैस लॉ को फॉलो करें। तो जितने भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, सब के सब कैसे हैं हमारे, रियल गैसेस हैं। अब ये जो डिविएशन हो रहा है ना आइडियल बिहेवियर से, ये रियल गैसेस का, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक फैक्टर यूज़ किया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जेड इज़ इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी। ये जो वैल्यू है जेड का, वो नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है कि गैस कैसा, आइडियल है या रियल है। जैसे अगर आइडियल गैस होगा तो हमें पता है ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसका मतलब पी वी की जो वैल्यू होगी एन आर टी की इक्वल होगा। और ये चीज़ इसमें, इस इक्वेशन में पुट करने पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के, हमें आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू कितना मिल रहा है, वन मिल रहा है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो वैल्यू होता है जेड का आइडियल गैस के लिए, वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर एंड प्रेशर के। साथ में अगर हम लोग प्लॉटिंग करें जेड वर्सेस पी का फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा जो पैरेलल होगा किसके, पी एक्सिस के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू रिमेम्बराइज्ड, है ना। और रियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होगा, और आइडियल गैस के लिए क्या है, इक्वल टू वन होगा। तो नॉट इक्वल टू वन होगा तो दो कंडीशन बनता है, या तो ग्रेटर देन वन होगा या तो लेस देन वन होगा। अगर ग्रेटर देन वन है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर लेस देन वन है तो नेगेटिव डेविएशन। और ये डेविएशन हो रहा है, इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।